हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डिम्पल और स्वागत करती हूं आपका डिम्पल्स किचन में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फायरलेस कुकिंग। आज हम कुछ मीठी कुछ नमकीन ऐसी रेसिपीज़ जो बच्चे भी घर पे बना सकते हैं और गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से दिखाती हूं इंग्रेडिएंट्स और फिर फटाफट बनाते हैं। फायरलेस कुकिंग में सबसे पहले हम बनाने वाले हैं स्प्राउट्स सैंडविच। तो उसके लिए मैंने लिया बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, खीरा, धनिया, स्प्राउट्स, टोमेटो केचप और हरी चटनी, और चार पीस मैंने लिए हैं ब्रेड के, और ये दो कटोरी ली हैं मैंने, एक छोटा साइज एक बड़ा साइज। तो हम इसको पहले कटोरी की हेल्प से काट लेते हैं। दो हम बड़े काटेंगे और दो छोटे। ब्रेड हमने काट ली। अब ये जो हमने स्प्राउट्स, प्याज, टमाटर, खीरा, धनिया, ग्रीन चटनी, टोमेटो केचप, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी काली मिर्च, मिक्स कर लेते हैं। और ये जो हमने ब्रेड काट के रखी है इस पे स्टफ करते हैं। और ये जो पीस हमने काटे थे इनको एक छोटी कटोरी से बीच में से काट लेते हैं। हमें साइड्स वाला पार्ट यूज करना है और ये हम इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। इनको हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। और ये टमाटो केचप जो हमने ली है इससे हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना देते हैं। ये होगी हमारी स्टफ्ड स्प्राउट्स इडली, या आप इसको सैंडविच भी बोल सकते हैं। अब फायरलेस कुकिंग में नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी एंड कीवी पार्फे। तो उसके लिए मैंने लिए कीवी स्ट्रॉबेरीज, फ्रेश वाली स्ट्रॉबेरीज हैं, व्हिपिंग क्रीम और एक पैकेट मैरिका बिस्किट्स। तो सबसे पहले बिस्किट्स को क्रश कर लेते हैं। बिस्किट्स मैंने क्रश कर लिए। अब इसको हम ग्लास में, मैंने ऐसे वाले ग्लास लिए हैं, पहले हम बिस्किट का बेस बनाएंगे। मैंने इसमें बटर नहीं डाला, बस इसको हम एज इट इज ग्लास में डाल देंगे। और इसके ऊपर पहले हम डालेंगे क्रीम, अब इसमें कीवी, स्ट्रॉबेरीज और फिर से हम क्रीम डाल देते हैं। ये हो गए हमारे कीवी एंड स्ट्रॉबेरी पार्फे। अब नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ जुकीनी बोर्ड। तो उसके लिए मैंने लिया एक पीस जुकीनी, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, खीरा और ये कॉर्न्स है। कॉर्न्स ये स्टोर वाले हैं, इनको बॉईल करने की जरूरत नहीं पड़ती, टिन में से निकालो और यूज कर दो। और ये धनिया, ये सॉस लिए मैंने विनीग्रेटी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हम काट लेते हैं जुकीनी को दोनों साइड से। ये सैलेड में ऐसे ही खाई जाती है, इसको बॉईल करने की जरूरत नहीं होती। तो बीच में से हम इसके दो पीस कर लेते हैं, बीच में से काट लेते हैं। इसको हमने काट लिया। अब स्पून की हेल्प से इसको हमने खाली करना है बीच में से, क्योंकि बोट बना रहे हैं हम, तो बोट की शेप देंगे। बीच में से हमने खाली कर लिया। अब इसमें हम स्टफिंग करेंगे। अभी हम ऐसे ही स्टफ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं डाला इसमें हमने, प्याज, टमाटर, खीरा, जो भी हमने लिया है सब इसमें स्टफ कर देते हैं। कॉर्न्स, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देते हैं, काली मिर्च, नींबू का रस, आप चाहें तो इसमें पनीर भी डाल सकते हैं।
स्टफ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है। और इसके ऊपर हम डाल देते हैं विनेग्रेटी। ये हमारी होगी जुकिनी बोट रेडी। और इसको हम गार्निश करेंगे, ये मेरे पास चेरी टमेटोज हैं। तो ये होगी हमारी फायरलेस कुकिंग की 3-3 रेसिपीज। और आज टेस्ट मैं पता किसको करवाने वाली हूँ, ये है अनु। अनु आना इधर। अनु है, ये हमारे घर में रहती है, हमारा काम करती है। तो आज ये बहुत प्यारी है, सारा काम करती है। और ये अब टेस्ट करके बताएगी कि ये सब मैंने कैसा बनाया, इसको कैसा लगा। और भी बहुत टेस्टी है, आपने कैसा बनाया? क्या है ये? स्टफ्ड इडली है लेकिन ब्रेड से बनी हुई है। और ये फायरलेस है, फायरलेस है, इसमें हमें बच्चे भी बना सकते हैं, गैस की जरूरत नहीं है। अब ये वाला भी खा के देख। ये है जुकिनी बोट। इस साइड से खाना है, ये मुंह में नहीं आएगा, ये बाद में खाना, पिक निकाल के टूथ पिक लगी हुई है। खाया ना कभी ऐसा? नहीं ना। अब मेरे पास रहेगी तो बहुत सारा कुछ मिलेगा खाने। ये ले। बहुत ज्यादा ही टेस्टी है ये तो। क्या है ये पता? नहीं। ये फ्रूट कौन सा है? हाँ, स्ट्रॉबेरी। हाँ, ये कीवी। हाँ, कीवी। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। तो अनु को तो बहुत अच्छी लगी ये रेसिपीज। अगर आपको ये रेसिपीज अच्छी लगे तो आप इसको बहुत सारा प्यार देना, वीडियो को लाइक करना। मेरे पास ऐसी बहुत सारी और रेसिपीज हैं जिसमें हमें गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है और बच्चे भी इजीली घर पे बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।